top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. चर्चा हो रही है, अगर दिल्ली की जनता के दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें ये प्योरली लग रहा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में जहां व्यवस्था सहयोग करते हुए आपस में दिखनी चाहिए, यहां की व्यवस्था को आपस में कोऑपरेट करते हुए दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम सा चल रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करना किसी के लिए भी सुखदायक नहीं, और ऐसे में यदि कोई ये सोचे कि अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ के हम मुक्त हो जाएंगे, तो हो सकता है उस पल के लिए, जिस पल में कोई झूठ बोला गया हो, कोई गलत बात कही गई हो, आप उस पल में विजयी हो सकते हैं, पर जनता की नजरों में आप हार जाएंगे। हम यहां पे उपस्थित हैं आप सबके बीच तीन प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। पहला तो ये कि दिल्ली की सरकार की तैयारियां सिर्फ आज से या कल से नहीं, बहुत पहले से ही जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनके रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए, रोकथाम नहीं उपचार के लिए, दिल्ली के सरकार, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के अस्पताल पिछले कई दिनों से तैयार थे, आज भी तैयार थे। उन तैयारियों में ये सारे आंकड़े आपके पास होंगे, फिर बस मैं दोहराना चाहता हूं, इन तैयारियों में जहां पिछली बार मात्र 55 फीवर क्लिनिक दिल्ली के अंदर आपात व्यवस्था को, आपात स्थिति को समझते हुए दिल्ली की सरकार ने शुरू किए थे, उनकी जगह पे लगभग 355 फीवर क्लिनिक शुरू किए गए। दिल्ली के तीन अलग अलग इलाकों में स्थित अस्पतालों में लगभग 1000 अतिरिक्त बेड्स का प्रावधान किया गया। दिल्ली सरकार ने अपनी नीतियों में रिलैक्सेशन करके प्राइवेट अस्पतालों को अनुमति दी कि आप 10-20% अपने बेड्स बढ़ा सकते हैं, इस आपात स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, और इन बेड्स को बढ़ाने के लिए आप कॉरिडोर, ओपन एरियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन एरियाज नहीं मतलब अस्पताल के अंदर के एरियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए उनको अपने यहां एक नीति को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ा 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए। यह भी किया दिल्ली की सरकार ने,